आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बढ़िया आज तक चलते हैं। आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए खास खबर ये है, सत्य मित्र शिव चौहान पाटिल और इनकी पूरी टीम जिस तरह से सांपों को बचाने का इन्होंने बीड़ा उठाया है और परभनी तालुके के करड़ गांव यहाँ के नदी के करीब यहाँ पर इस नदी में जिस तरह से बच्चे मच्छी पकड़ने के लिए यहाँ पर गए थे और इन बच्चों ने हमेशा की तरह इस बार भी नदी पात्र में जिस तरह से मच्छी पकड़ने के लिए गए और जाला यहाँ पर डाला, इस जाले में मात्र यहाँ पर नदी में इस नदी में मच्छी पकड़ने के जाले में मच्छियाँ तो नहीं आई, लेकिन यहाँ पर पकड़ने के जाले में जिस तरह से एक बहुत बड़ा सांप, अजगर जाति का सांप यहाँ पर दिखकर आया है और इस मच्छी पकड़ने के जाले में पूरी तरह से ये अजगर यहाँ पर अटक गया है और फंस गया है। यहाँ अजगर को देख कर करड़गांव के अजिंक्य मुंडे इन्होंने परभनी यहाँ के सर्वमित्र शिव चौहान पाटिल इनने मोबाइल पर संपर्क किया और मोबाइल पर संपर्क करने के बाद में पूरी मालूमात इन्होंने शिव चौहान पाटिल को दी और जैसे ही इन्हें शिव चौहान पाटिल सर्वमित्र इन्हें पूरी मालूमात दी और मालूमात देने के बाद में शिव चौहान पाटिल जब इस नदी में गए, यहाँ पर जाने के बाद में इन्होंने देखा कि मच्छी का जाला पूरी तरह से इस अजगर जाति के सांप को पूरी तरह से अजगर जाति का सांप इस मच्छी के जाले में अटक गया है और इस जाल से किस तरह से उसे छुड़ाया गया है, आपको ये नज़ारा परभनी आज तक पर हम बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने इस अजगर जाति के सांप को इस मच्छी के जाले से बचाया है और इस जाले से बचाकर इसकी हिफाजत की है। यही नहीं, इसके अलावा मित्र शिव चौहान पाटिल इन्होंने वांगी रोड यहाँ पर शेख चांद इनके कॉल पर यहाँ पर गए और जाने के बाद में यहाँ पर जिस तरह से इनके घर में सांप निकला है ऐसा इन्होंने बताया और सांप निकलने के बाद में शिव चौहान पाटिल ये किचन वट्टे के पास में गए और किचन वट्टे के पास में जाने के बाद में इन्होंने देखा कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सांप ने पूरी तरह से ईंटों के अंदर ये जहरीला सांप किस तरह से यहाँ पर चूहे खाता हुआ नज़र आ रहा था और चूहे खाने के बाद में सांप पूरी तरह से यहाँ पर सुस्त हो गया था। शिव चौहान पाटिल इन्होंने किस तरह से सतर्कता बरतते हुए इस सांप को पकड़ा है ये भी नज़ारा आपको बता रहे हैं। दादा पास कुराड है ना, वर गया थोड़े जाड़ आजू मे जा तोड़ता है ना अपने निगाई दे जरा जरा चोबी जमते का हाँ जमते बापू नहीं कुराड़ी ना जाए तोड़ू ना टाका ना कुराड़ी कापाव लगते आवाज काढते कुकर शिटी वाणी ते स्वतःला वाचवायसाठी तुम्हाला भीव घालते फुकत नाही त्याची स्पीड एवढी आहे ते चावून स्प्रिंग सारखा वापस येऊन त्याच पोझिशनला बसते लोकांना वाटते की ते फुकलाय परत कधी फुकत नाही म्हणतात अंग फुकते अंग फुकते काय ही नाही चावले बस 29 दिसंबर 2022 को गायरान धारकों के विविध मांगनियों के लिए जमीन अधिकार आंदोलन की जानिब से जिला अधिकारी कार्यालय यहां पर आंदोलन किया गया है। 29 दिसंबर 2022 को जिस तरह से गायरान धारकों के विविध मांगनियों के लिए जमीन अधिकार आंदोलन की जानिब से जिस तरह से परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय पर आंदोलन किया गया है, इस वक्त जिलाधिकारी इनके जानिब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जिस तरह से ये गायरान जमीन ज़रूरतमंद लोगों को दी गई थी, ये गायरान ज़मीन पूरी तरह से इन्हें नोटिस दिया गया है कि ये ज़मीन खाली की जाए, उसके बावजूद भी इन ज़मीन धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ऐसा भी इस वक्त बताया गया है। जिस तरह से ग्रामीण भाग में ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ पर उदर निर्वाह करने के लिए भूमिहीन लोगों ने जिस तरह से गायरान गौठान गाड़पट्टा वनीकरण और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण ज़मीन जिस तरह से इन्होंने की है, इस अतिक्रमित ज़मीन को नियमित किया जाए और इसी के साथ में
इनकी अलग अलग जिस तरह से मांगनियाँ की है, इस मांगनियों को निवेदन के जरिए से ये बताया गया है कि पूरी तरह से ये गायरन जमीन हमारी जमीन हमारे नाम पर। बायजाबाई घोड़े कॉमरेड विश्वनाथ गवारे, गोविंद गिरी कॉमरेड गणपत भीसे, रुस्तुम पारडे, संजय अडागड़े, विष्णु अलाटे, माया थोरात, कमलाबाई शिंदे, लक्ष्मीबाई शिंदे, इनके साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद थे। क्रमांक 2 मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा व समाज परिसर मंदिराची जागा जी ती आरक्षित आहे आणि ती जवळपास 50-60 वर्षापासून आरक्षित अशी जागा आहे। त्या प्रकारचा एक नमुना नंबर 8 सुद्धा ग्रामपंचायतीकडून आपल्याला मिळालेला आहे, म्हणजे याच्यामध्ये अवैध असं काहीच नाही आहे। आणि आज त्या ठिकाणी आरटीओचं बांधकाम चालू आहे आणि आरटीओची कंपाऊंड वॉल जी आहे ती या जागेत ह्या ठिकाणी जे स्मशानभूमीची जागा आहे त्या स्मशानभूमीच्या जागेवरती आरटीओचं कंपाऊंड येत आहे। त्या प्रकारचा असा अन्याय, म्हणजे आज 75 वर्ष झालेले भारताला स्वतंत्र म्हणून अमृत महोत्सव आपण साजरा करतो आणि बहुजन समाजातली ही जी स्मशानभूमी आहे ती व्यक्तीला मृत्यूपश्चात देखील त्या स्मशानभूमीची जागेवरती जर का अशा पद्धतीनं ती जागा हिसकावून घेतली जात असेल तर हे एकदम चुकीचं आहे। आम्ही आज जिल्हाधिकारी साहेबांना तहसीलदार साहेबांना या बाबतीत एक निवेदन दिलेलं आहे की आपण ही जी जागा जी पर्वपासून म्हणजे जवळपास 40-50-60 वर्षापासून जी जागा स्मशानभूमीला मिळालेली आहे ग्रामपंचायतीने नमुना नंबर 8 त्या ठिकाणी दिलेला आहे तर आपण सगळ्यांनी बसून या म्हणजे तोडगा काढावा। जी जागा 50-60 वर्षापासून वापरत येत होती स्मशानभूमीची त्या जागेवर जे आरटीओचं कंपाऊंड वॉल येत आहे ते तिथून त्यांनी ती रद्द करावं आणि जी जागा पहिले जशी ज्या पद्धतीने ती अलॉट केलेली होती ग्रामपंचायतीने ती तशा तशीच राहू द्या। यासंदर्भात 29 दिसंबर 2022 को परभणी शहर के जिला सामान्य अस्पताल यहां पर एडमिट जरूरतमंद पेशेंट को जिस तरह से यहां पर जरूरतमंद पेशेंट को रक्तदान किया गया है सचिन साबड़े इनकी जानिब से सौ खुशी से इनके जानिब से जिस तरह से स्पुर्द होकर इन्होंने जिस तरह से उस जरूरतमंद पेशेंट को परभणी शहर के सामान्य अस्पताल के मेट्रो ब्लड बैंक यहाँ पर रक्तदान किया है और रक्तदान करने के बाद में इस व्यक्ति को जीवन दान देने की कोशिश भी इन्होंने की है। समाज हित अभियान की जानिब से जिस तरह से रैयत मदद केंद्र के जानिब से इनका पुष्प गुच्छ देकर पुष्पहार डालकर इनका स्वागत किया गया है और सामान्य रुग्णालय यहां के मेट्रो ब्लड बैंक के सामने इनका सत्कार किया गया है। इस वक्त समाज हित अभियान प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद अम्बोरे, रैयत मदद केंद्र के बबन अन्ना मुड़े, टाइगर ग्रुप के सदस्य एकनाथ पुंड, साबड़े भोगाव, रमेश गोरे, लहू गायकवाड़, अतुल जाधव, आत्माराम जटाड़े, मारुति श्री जरवार इनकी भी मदद इन्हें मिली है। आज सचिन साबड़े माझ्या मित्रातर्फे एका गरजवंत रुग्णाला शासकीय रुग्णालयामध्ये रक्तदान देऊन त्याला छोटंसं आम्ही सहकार्य केलेलं आहे आणि इथून पुढेही आम्ही असं सहकार्य करत राहू आणि समाज आज समाजित अभियानातर्फे सचिन साबळे आणि आमचा मान सन्मान सत्कार केल्याबद्दल आम्ही त्यांचेही खूप खूप आभार व्यक्त करतो आणि धन्यवाद। सिंचन कर्मचारी संस्था 1998 से जिस तरह से परभणी में स्थापन की गई है, इस सिंचन कर्मचारी सहकारी पद संस्था में जिस तरह से यहां पर लगातार पिछले 1998 से कामयाबी के साथ में यहां पर जो लोग काम करते आए हैं और इस संस्था को पद संस्था को जिस तरह से चलाया जा रहा है अभी इस संस्था में 2 गट हो गए हैं और इनका अब निवडणूक भी लेनी जरूरी हो गई है। उसी के चलते 31 दिसंबर 2022 को सिंचन कर्मचारी सहकारी पद संस्था की जानिब से निवडणूक में 2 पैनल यहां पर आमने सामने आए हैं और सिंचन कर्मचारी समृद्धि पैनल ने जिस तरह से अपना 15 उम्मीदवारों का जिस तरह से यहाँ पर पैनल खड़े किया है उनमें विमान इस निवडणूक निशानी पर जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसी के चलते आज हम आपको बता रहे हैं परभणी आस्था की जानिब से कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और इस पैनल के नेतृत्व जिस तरह से संस्थापक अध्यक्ष LD जाधव ये कर रहे हैं। या पतसंस्थेमध्ये गेली 20-25 वर्षे बिनविरोध निवड करण्यात आलेली आहे। संस्थेच्या सभासदांच्या आम मनावर आम हृदयावर राज्य करणारे कर्मचाऱ्यांचे संचालक मंडळ या ठिकाणी या संस्थेमध्ये कार्यरत होते आणि जवळपास या सर्व सभासदांच्या प्रतिनिधींनी संचालक मंडळाने सामान्य सभासदांचं दुःख हरण करण्याचं दुःख निवळण्याचं
त्यांच्या अश्रू पुसण्याचं आणि त्यांना आर्थिक मदत प्रसंगाच्युत जाऊन तिथं मदत करण्याचं कार्य या संस्थेच्या माध्यमातून संचालक मंडळाने केलेलं आहे. एकरूपता एक वाक्यता आणि समन्वय या ठिकाणी असणं आवश्यक आहे. म्हणूनच बिनविरोध निवड या संस्थेच्या माध्यमातून सर्वतोपरी करण्यात आलेली आहे. कोणत्याही ठिकाणी कुटुंबाचं उदाहरण जर घेतलं समजा तर एक वाक्यता आणि एकनिष्ठपणा सुसंवाद या कुटुंबामध्ये असतो. ते कुटुंब एकत्र जरी असलं समजा तर त्याची प्रगती होत राहते. आता इतिहास सर्वसामान्य कुटुंबाच्या बाबतीत म्हणता येतो तर याच पद्धतीनं या संस्थेचे जवळपास 400 ते 450 कर्मचारी सभासद होते. म्हणजे काळाच्या ओघानं कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत राहिली आणि म्हणून या संस्थेचे आता जवळपास संस्थेचे कर्मचारी कमी झालेले आहेत, सभासद कमी झालेले आहेत. आता ही सदर संस्था महाराष्ट्रामध्ये एकमेव असं उदाहरण आहे जलसंपदा विभागातलं की या ठिकाणी स्वयं भांडवलावर स्वतःच्याच सभासदांच्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ठेवी गोळा करतो आणि त्या अशा ठेवीला दरसाला 12% याप्रमाणे व्याज देतो. आणि त्याचप्रमाणे आवर्त ठेवी असतील, अल्पमुदत ठेवी असतील किंवा सभासदांची भाग असतील या ठिकाणी सुद्धा त्यांना 10% लाभांशच्या रूपाने 10% व्याजाच्या रूपाने आतापर्यंत संस्था गेली 25 वर्ष देत आलेली आहे. तसंच या संस्थेच्या माध्यमातून दरवर्षी भेटवस्तूचं वाटप पण करण्यात आलेलं आहे आणि अशा व्यवस्थापन केलेल्या सर्वसामान्य सभासदांच्या उन्नतीच्या मार्गावर त्यांना सर्वसामान्याच्या प्रवाहामध्ये आणि प्रगतीच्या प्रवाहामध्ये कसं आणता येईल याचा आतोकात प्रयत्न केलेला आहे. काही प्रतिस्पर्धी कॅनलच्या वतीनं कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना केवळ वैयक्तिक भांडणे समोर घेऊन किंवा वैयक्तिक भांडणाचं स्वरूप त्यांची आकसवृत्ती, त्यांची सूडवृत्ती आणि एक खुनशीवृत्ती या पार्श्वभूमीवर प्रतिस्पर्धी पॅनल उभा राहिलेला आहे. वास्तविकता त्यांना उभा राहण्याची या न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन इनोन और मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल. के आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें. वो इसके लिए कि आपको हमारी न्यूज़ सबसे पहले मिले, इसके लिए आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. हमारी न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. मिर्जा मेस परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. कैस्केड ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में. ग्राहक की खुशी यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. मोबाइल नंबर 9881290190. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानल पेट कॉर्नर परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी. समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822 9035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828.